अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाउंटी बार चॉकलेट। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया है 2 कप दूध, मतलब 400 ml दूध लिया है हमने, और साथ में हम उसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आपको अपने टेस्ट के अनुसार डालना होगा, जितना मीठा आप खाते हो उस हिसाब से आपको चीनी डालना होगा। मैंने यहाँ 100 ग्राम्स चीनी डाला है और उसे एक उबाल आने के लिए रख देंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खोपरा, खोपरे का बुरादा जो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा राशन की दुकान पर। तो जिस मेजर कप से मैंने दूध डाला उसी मेजर कप से मैंने सूखा खोपरा भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक आपका दूध अच्छे से सूख ना जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका दूध गाढ़ा होते जाएगा। आपको इसे अच्छी तरीके से सूखा कर लेना होगा, मतलब पूरा दूध को आपको सूखा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरा खोपरा अच्छी तरीके से सूख चुका है। आपको इसे तब तक पकाना होगा जब तक एक डो की तरह ना हो जाए, पूरी अच्छे से सूख ना जाए, मॉइस्चर पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो जब इस तरीके का हो जाएगा तब आप इसे एक बाउल में ले लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ ठंडा हो चुका है, अब हम इसे लेंगे। थोड़ा सा प्रोपोर्शन आपको इसे हाथ में लेना होगा अपने हिसाब का। आपको जितना बड़ा आपको बाज बनाना है उसी हिसाब से आपको लेना होगा और इसे हाथों से मदद से इस तरीके से रोल कर लेना होगा। रोल करने के बाद आपको साइड साइड से इस तरीके से प्रेस कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से ये बन चुका है। इसी तरीके से आपको सारे बाज को अपने बना लेना होगा। तो यहाँ मेरे सारे बाज रेडी है, अब हमें यहाँ चॉकलेट सिरप बनाना है। तो चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट की मदद लिया है। उसे हम बनाएंगे, सबसे पहले उसे पैन में ले लेंगे और लो फ्लेम पे बनाएंगे ये प्रोसेस, और थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपकी चॉकलेट ऑटोमेटिक पिघलने लगी है अच्छी तरीके से। जब वो पूरी अच्छे से पिघल जाएगी तब आपको इसे बाउल में ले लेना होगा। तो यहाँ मेरी आप देख रहे हैं चॉकलेट पूरी अच्छे से पिघल चुकी है। इसी तरीके का कॉन्टेंसिटी रहना चाहिए आपकी चॉकलेट की। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। डार्क कंपाउंड की जगह पे आप डेरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद आप इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ठंडा करने के बाद ही आप इसे डिप करिए अपने बाज को चॉकलेट में, ताकि अगर आप पहले ही डिप कर देंगे गरम गरम तो आपका बाज जो है पिघलने लगेगा चॉकलेट में। इसलिए आपको ठंडा करने के बाद ही इसे डालना होगा। डालने के बाद, डिप करने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप इसे फॉइल पेपर पर प्लेस करिए या फिर बटर पेपर पर प्लेस करिए। नॉर्मल पेपर पर ना प्लेस करिए क्योंकि वो चिपक जाएगा, इसलिए हमने यहाँ फॉइल पेपर की मदद लिया है। उस पर हम इसे सारे ही बाज को इस पे डाल देंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे बाज को बना लिया है। तो यहाँ मेरे सारे बाज रेडी है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा थिक हो जाएगा और अंदर सॉफ्ट ही रहेगा। तो यहाँ मेरा निकल चुका है अच्छी तरीके से फॉइल पेपर से, और साइड साइड से आप फिनिशिंग दे दीजिए। और ये मेरा बाज रेडी है। इसी तरीके से मैंने अपने सारे बाज को तैयार कर लिया है। अब मैं आपको कट करके बताती हूँ। ऊपर से थोड़ा हार्ड रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा और बहुत ही यम्मी लगेगा। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।